स्टार्ट आवर क्लास क्लास 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 2 में पेज नंबर 17 को एक्सप्लेन किया था। उसमें हमने आपको बताया था कि आइकॉन्स को कैसे रीअरेंज करते हैं और कैसे विंडोज की अपीयरेंस को चेंज करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग पर्सनल पिक्चर एज अ स्क्रीन सेवर। पर्सनल पिक्चर को कैसे स्क्रीन सेवर के रूप में यूज कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। विंडोज एक्सपी अलाउज यू टू यूज योर ओन पिक्चर स्लाइड शो एज द स्क्रीन सेवर। यू कैन यूज द पिक्चर स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर यूजिंग डिजिटल कैमरा स्कैनर और कॉपीड फ्रॉम द इंटरनेट और ईमेल अटैचमेंट इन द स्क्रीन सेवर। विंडोज एक्सपी आपको स्क्रीन सेवर के रूप में अपने खुद के पिक्चर्स के स्लाइड शो को यूज करने की फैसिलिटी देता है। आप डिजिटल कैमरा स्कैनर या इंटरनेट से कॉपी किए गए पिक्चर्स या स्क्रीन सेवर में ईमेल अटैचमेंट का यूज करके अपने कंप्यूटर में स्टोर्ड पिक्चर का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड चूज प्रॉपर्टीज ऑप्शन टू ओपन डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, फिर उसमें आप प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक स्क्रीन सेवर टैब इन द डायलॉग बॉक्स और डायलॉग बॉक्स में स्क्रीन सेवर टैब पे क्लिक करें। अंडर स्क्रीन सेवर ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स क्लिक माई पिक्चर्स स्लाइड शो इन द लिस्ट। स्क्रीन सेवर ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स के नीचे लिस्ट में माई पिक्चर स्लाइड शो पर क्लिक करें। क्लिक सेटिंग बटन टू सेलेक्ट द फोल्डर कंटेनिंग पिक्चर्स। आल्सो सेट द पिक्चर साइज एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर ईच पिक्चर्स ड्यूरिंग द स्लाइड शो। पिक्चर युक्त फोल्डर का सिलेक्शन करने के लिए सेटिंग बटन पर क्लिक करें। स्लाइड शो के दौरान ईच पिक्चर्स के लिए पिक्चर का साइज एंड टाइम ड्यूरेशन सेट करें। क्लिक ओके टू रिटर्न डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। डिस्प्ले प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में रिटर्न आने के लिए ओके पे क्लिक करें। क्लिक प्रीव्यू बटन टू व्यू द स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर को देखने के लिए प्रीव्यू बटन पे क्लिक करें। क्लिक अप्लाई बटन टू सेट योर पर्सनल स्क्रीन सेवर। अपना पर्सनल स्क्रीन सेवर को सेट करने के लिए अप्लाई बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट है अरेंजिंग मल्टीपल विंडोज। मल्टीपल विंडोज को कैसे अरेंज किया जाता है। एज यू नो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग फैसिलिटी डेट इज यू कैन वर्क सिमुलेटनेसली विथ मोर देन वन प्रोग्राम बाई ओपनिंग देम इन द डिफरेंट विंडोज। फॉर ईच विंडो अ बटन इज क्रिएटेड ऑन द टास्क बार डेट अलाउ यू टू स्विच बिटवीन द प्रोग्राम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग फैसिलिटी को सपोर्ट करता है, यानी आप एक साथ कई विंडो में एक से अधिक प्रोग्राम के साथ इनएक्टिव सेशन पर एक साथ वर्क कर सकते हैं। इच विंडो के लिए टास्क बार एक बटन बनाया जाता है जो आपको प्रोग्राम के बीच स्विच करना अलाउ करता है। टू अरेंज ऑल द ओपन विंडो। सभी ओपन विंडो को कैसे अरेंज किया जाता है। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार टू ओपन द शॉर्टकट मेन्यू। आप ओपन विंडो को अरेंज करने के लिए शॉर्टकट मेन्यू ओपन करने के लिए टास्क बार के ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करें। चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टू अरेंज द ओपन विंडो। ओपन विंडो को अरेंज करने के लिए इन ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करें, चूज करें। कैस्केड विंडोज, टाइल विंडोज हॉरिजेंटली, टाइल विंडोज वर्टिकली, इनमें से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो विंडो ओपन विंडो होगा वो अरेंज हो जाएगा। ये आपका है कैस्केड विंडो, ये टाइल विंडो हॉरिजेंटली, देखिए ये हॉरिजेंटली दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है आपका टाइल विंडोज वर्टिकली और ये आपका वर्टिकल दिखाई दे रहा है। देखें आप देख सकते हैं कि एक प्रोग्राम खोला गया है, इसमें दूसरे प्रोग्राम भी खुला हुआ है। विंडोज रिड्यूस टू अदर टास्क बार विल बी टाइटल्ड, ये आप इसको लर्न करेंगे। सेटिंग फोल्डर ऑप्शन, फोल्डर आर यूज टू अरेंज प्रोग्राम्स और फाइल्स ऑन
store disk and can hold both files as well as other subfolders. A folder is represented by icon. When the folder is double clicked, it opens in a window showing its contents, file or subfolders, and some common tasks that can be performed on it. On the left side, folder ka use, storage disk par program ya file ko arrange karne ke liye kiya jata hai, aur dono files ke sath other subfolder icon ke through display kiya jata hai. Jab folder par double click kiya jata hai to ya window pe apne contents ko show karta hai, aur kuch general work jo us par kiye ja sakte hain use left side mein show karta hai. To customize the folder option को customize कैसे करेंगे, click start पे click करेंगे, फिर setting पे जाएंगे, control panel पे जाएंगे, double click the folder option और folder option पे double click करेंगे icon in the control panel window. A folder option dialog box is display. तो folder box dialog box display होने लगेगा. Click general tab in the dialog box में general tab पे क्लिक करेंगे. इफ़ यू डोंट वांट टू सी द कॉमन फोल्डर टास्क ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फोल्डर विंडो देन चूज यूज विंडोज क्लासिक फोल्डर ऑप्शन. यदि आप फोल्डर के लेफ्ट साइड जनरल फोल्डर पर वर्क नहीं देखना चाहते तो उसको सेलेक्ट करेंगे विंडोज क्लासिक फोल्डर ऑप्शन का यूज करके. By default, when a subfolder icons in a folder window is double clicked, the subfolder contents are displayed in the same window. To open a separate window for each folder, choose open each folder in its own window option. Default रूप से जब एक folder window में सब folder icon पर double click किया जाता है तो सब folder contents उसी window में display होती है. इच फोल्डर के लिए एक अलग विंडो ओपन करने के लिए इच फोल्डर को अपने विंडो में ओपन ऑप्शन पर सेलेक्ट करें. ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. इंस्टेड ऑफ यूजिंग डबल क्लिक टू ओपन आइटम, इफ यू वांट टू यूज सिंगल क्लिक देन चूज द ऑप्शन सिंगल क्लिक टू ओपन द एन आइटम ऑप्शन. आइटम को ओपन करने के लिए डबल क्लिक का यूज करने की बजाय यदि आप सिंगल क्लिक करना चाहते हैं तो आइटम का ऑप्शन ओपन करने के लिए सिंगल क्लिक ऑप्शन को सिलेक्ट करें. क्लिक अप्लाई टू इंप्लीमेंट द न्यू सेटिंग. न्यू सेटिंग को अप्लाई करने के लिए अप्लाई बटन पे क्लिक करें. तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप चैप्टर 2 को रीड करेंगे और उसको समझेंगे. आज का आपका क्लास यहीं पर ओवर होता है. थैंक यू.